जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना के युवा वांग 5-10 से विवाहित मुद्दा। चाइना ने श्रीलंका के सहारे जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाला है कुछ हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में इसका एक प्रस्ताव रखेगा भारत के प्रति। तो चलिए इस वीडियो में इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानते हैं। तो देखिए चाइना के बारे में, चाइना का एक बात है कि जौना पर पड़ जाता है, मतलब जौन देश इसका विरोध करेगा, इसका बात नहीं मानेगा या इसका दुश्मन हो तो इसके पीछे समझिए कि बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाता है। उसको अपने क्षेत्र में आने से मतलब तरह तरह की गलत नीति अपनाता है, उस देश पर दबाव डालता है। तो जैसे कि अमेरिका को लीजिए, नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान यात्रा पर तो आई थी, लेकिन चाइना का ये विरुद्ध में आई थी, चाइना मना करा लेकिन फिर भी आई थी। इसलिए तो आप देखिए कुछ दिन पहले जो एक अमेरिका का जहाज था वो सोलोमन द्वीप के पास आने वाला था, सोलोमन द्वीप के पास पहुंच भी गया था, लेकिन सोलोमन द्वीप आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दक्षिणी प्रशांत महासागर में वहां पर स्थित है, लेकिन सोलोमन द्वीप पर चाइना का कब्जा है। तो वहां पर चाइना ने कह दिया कि आप अमेरिका के जहाज को नहीं आने दीजिए। तो सोलोमन द्वीप के सरकार ने उसे उस जहाज को रिफिलिंग के लिए नहीं आने दिया और उसे लौटवा दिया। इससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो अमेरिका को भेजवा दिया, पूरी तरह से भेजवा दिया। तो इसी तरह से जब आप हम जानते हैं कि जो चाइना का जहाज था युआन वांग 5 वह आने वाला था 11 अगस्त को आने वाला था, यह श्रीलंका के नीचे लगे हमारे टोटा बंदरगाह पर इसका युआन वांग 5 जहाज। लेकिन भारत ने अपने जो दक्षिणी भाग में इसका परमाणु रिएक्टर है, बंदरगाहें और महत्वपूर्ण नौसैनिक जो अड्डा है, इन सब बातों को मतलब सुरक्षा के हवाले से श्रीलंका पर दबाव डाला और बताया कि आप चाइना के जहाज को नहीं आने दीजिए, इससे हमारे मतलब खतरा है, हमको खतरा है। तो श्रीलंका ने उसे आने नहीं दिया था, लेकिन इसका भारत ने इसका विरोध कर दिया। तो अब सोचा कि भारत पर कैसे मतलब इसको टॉर्चर करें। तो जस्ट 11 अगस्त के बाद जस्ट 12 अगस्त को जो चाइना का राजदूत है वह श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बंद कमरे में एकदम पूरी तरह से एकदम बढ़िया से समझिए मीटिंग किया। मीटिंग में बताया नया नया राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति को पूरी तरह से समझे, अपना कानून बताया और उसे पुनः 16 अगस्त को यह हमारे टोटा बंदरगाह पर आखिरकार आया गया। लेकिन चाइना को दुख इस बात को हुआ, हम तो आने वाले थे 11 अगस्त को लेकिन हम पहुंचे कब 16 अगस्त को, ये 5 दिन लेट हुआ, 5 दिन माइनस हुआ, आखिर क्यों? ये भारत के कारण। तो ऐसा यह सोच का विचार, अब भारत को श्रीलंका के सहारा ही, श्रीलंका चूंकि भारत ने भी डायरेक्ट चाइना को नहीं बोलता, श्रीलंका को बोला था, तो चाइना ने भी डायरेक्ट भारत को नहीं बोला है, श्रीलंका भी आकर फिर तो फिर भारत के सहारा बना रहे और इसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र में प्रस्तावित करेगा, ऐसा खबर है। तो चलिए अब इससे पहले जो चीनी राजदूत वो क्या क्या किया, वो अपने चाइनीज वेबसाइट पर देखिए क्या क्या लिखा है। पहला बात बोला है कि जो श्रीलंका को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करते रहेंगे, ऊ का मदद करेगा श्रीलंका को। अब समझिए कि श्रीलंका को मदद नहीं कर, बल्कि दिखा रहा है कि देखो हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी भी देश को मतलब उसके जितना GDP है उससे भी अधिक हम कर्जा दे सकते हैं, उसको कब्जा और अपने उस पर दबदबा बना सकते हैं। श्रीलंका को देखिए, इसका हमारे टोटा बंदरगाह पर 99 साल के लीज पर ले लिया कि नहीं। उधर आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को भी उसके GDP से ज़्यादा उसको कर्ज दे दिया है। तो इन सब आप बातों से तो वो झूठ बोल रहा है कि हम श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद कर रहा है, तू का मदद कर, उसको जाल के कर्ज के जाल में फंसा कर उसका विध्वंस कर रहा है, समझिए। और ये तो पहला बात बोला। दूसरा बात बोला कि जो श्रीलंका की आज की स्थिति है अब इनके, वह सिर्फ और सिर्फ चाइना के कारण हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के कारण। इससे पहले आप देखेंगे 2 या 3 महीने पहले तो वहाँ पर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री थे, उनके राष्ट्रपति भवन में भी जनता घुस गई थी और आग लगा दी थी। तो ऐसा तो चाइना कह रहा है श्रीलंका की जो आज श्रीलंका अभी है वो सिर्फ चाइना के कारण। अब बताइए चाइना के कारण है, चाइना का जब कारण है तो उधर पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को भी कर्जा देकर उस पर CPC सड़क दौड़ा लिया, उसके ग्वादर बंदरगाह को कब्जा में ले लिया, इधर हमारे टोटा बंदरगाह पर हालत और बिगाड़ रहा है, समझिए हालत और बिगड़ रहा है। ये हमेशा दुखियारों को खोजता है चाइना, किसके पास दुख है, जाएगा दुख। हाँ, आपको पैसे चाहिए तो पैसा तुरंत धड़ाक देगा, लीजिए बाद में दीजिए, आप इसके पूरा मतलब हथियाने के चक्कर में लग रहा था। आप यहाँ से दोनों इसका बात देखिए समझिए कि गलत है। अब देखिए तीसरा बात क्या बोला, ये देखिए तीसरा बात भारत पर डायरेक्ट निशाना लगाते हुए बोलता है। देखिए तीसरा का बात क्या कहते हैं, तीसरा का बात कहते हैं कुछ ऐसे देश हैं
कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी सुरक्षा के झूठी झूठी मतलब झूठी आरोप लगाकर अपनी सुरक्षा पर अन्य मतलब श्रीलंका पर दबाव बना रहे, उसकी संप्रभुता अखंडता और स्वतंत्रता पर मतलब दबाव डाले। ये कौन देश है? तो भारत। भारत नाम नहीं ले रहे, समझिए, खाली केवल ऐसे संकेत कर रहे। अब बताइए भारत तो मत, अब भारत को सच बात है कि भारत के यहाँ पर परमाणु रिएक्टर और जो अंतरिक्ष केंद्र है और बंदरगाहें हैं और नौसैनिक अड्डा, इन सब भारत के दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इसे विमानों फाइव में मतलब बहुत शक्तिशाली रडार लगे होने के कारण मतलब इन सबको खतरा था, इसकी डाटा लीक हो सकती है, वास्तव में था। अब चाइना तो ऐसे बोल दिया कि कोई देश श्रीलंका के मतलब कि अपनी सुरक्षा को झूठी गवाही देकर मतलब लेते हुए श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। अब मान लो कि हम ये तो बात सच नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत के ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब बताइए, अब चाइना के देखिए, भारत के तो सुरक्षित है, अब चाइना बताओ, तुम्हारा ताइवान क्या कर रहा था, ताइवान से तुमको क्या यति थी, तुम ताइवान को क्यों कहते हो मेरा है, जम्मू कश्मीर को क्यों कहते हो मेरा है, नेपाल को क्यों कहते हो, भूटान को क्यों कहते हो, सिक्किम को क्यों कहते हो, अरुणाचल प्रदेश को क्यों, सबको कहता है चाइना मेरा है, सबको कहता है, किर्गिस्तानों को वहाँ तक, वियतनाम के कुछ हिस्सों को कहता है कि ये मेरा है। तो बताइए इन सब देशों ने कौन सा इन सब देशों से चाइना का क्या हाल था, लेकिन फिर भी ये वो सबको कहता है मेरा, लेकिन भारत पे इसे सिर्फ यहाँ पर आने से रोका है, इसे से यह बौखला गया है। अब इसका बात जो जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की 51वां सत्र अब तक 50 हो गई, कुछ हफ्ते बाद होगा, उसमें देखिए ये मतलब श्रीलंका के पक्ष लेते हुए वहां पर एक प्रस्ताव रखेगा और भारत और अमेरिका के मुद्दों को वहां पर रखेगा। तो देखिए इसका कहना है चाइना का देखिए क्या कहना है, चाइना का यह कहना है कि श्रीलंका ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है उसको हम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मतलब कोई प्रस्तावित करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा कर एहसान कुछ नहीं किया, एहसान देखिए किसको करे है, एहसान 11 अगस्त को तो आने वाला था लेकिन यहाँ पर नहीं है, भारत दबाकरण पुनः 16 अगस्त को, इस पूरे कहानी कितना हुई 12 अगस्त को पूरी दम बंद कमरा में हुआ चीन के राजदूत और श्रीलंका के राष्ट्रपति बात, और 16 अगस्त को पुनः यहाँ पर ये पहुँच गया, तो कहा कि तुमने कहा कि श्रीलंका को ऐसे कहा चीन कि तुमने मुझे 16 अगस्त को मतलब बुलाकर बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया, हम तुम्हारे मतलब भारत ने जो किया उसके हम मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में ले जाएंगे, वहां पर इसका प्रस्ताव रखेंगे और भारत की गलत नीतियों को आलोचना करें, इन सब बातों को कर रहा है। तो अब देखिए उस दिन क्या होता है। अब यह वीडियो अपडेट था, तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।